सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली के स्वास्थ्य कर्मियों की घोर लापरवाही के चलते मानवता हुई शर्मसार। हम आपको बता दें, स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के चलते 30 वर्षीय एक महिला ने अस्पताल परिसर में खुले आसमान के नीचे प्रसव के दौरान बच्चे को जन्म दिया। स्वास्थ्य कर्मियों को जब खुले आसमान में प्रसव की जानकारी मिली तो उनके हाथ पांव फूल गए और उन्होंने जच्चा बच्चा को तत्काल वार्ड में शिफ्ट किया। तब जाकर जच्चा बच्चा को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकीं। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों समेत परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। हम आपको बता दें, विकास खंड गुंदला मऊ के शाहपुर गांव की निवासी 30 वर्षीय रेणु पत्नी अन्नु अपने गर्भकाल का समय पूर्ण होने पर अपने परिजनों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली पहुंची थी। अस्पताल में मौजूद महिला स्वास्थ्य कर्मी ने महिला को अभी प्रसव का समय पूरा नहीं है कहकर उसे बाहर बरामदे में बैठने के लिए कहा। इसी दौरान उस महिला के प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो परिजनों ने इसकी सूचना स्वास्थ्य कर्मियों को दी थी, लेकिन वह लापरवाह बने रहे, जिससे प्रसव पीड़ा से तड़पते हुए एक महिला ने खुले आसमान में एक बच्चे को जन्म दिया। स्वास्थ्य कर्मियों को जब पता चला, घटना का वीडियो किसी व्यक्ति ने बना लिया है, उसके बाद उनके हाथ पांव फूल गए। आनन फानन मौके पर पहुंचे स्वास्थ्य कर्मी बिना स्ट्रेचर के उस महिला को पैदल ही वार्ड में शिफ्ट किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अस्पताल में बिना पैसे के डिलीवरी नहीं होती है। पैसे ना देने पर मरीज को इसी तरह से भगा दिया जाता है, जिसके चलते यह घटना सामने आई। परिजनों को इतना डरा धमका दिया जाता है, जिससे वह किसी से शिकायत भी नहीं कर पाते। अस्पताल प्रशासन इस मामले में कुछ भी कहने से कतरा रहा है। ठीक है।